आया प्यारे साथियों, आज फिर से हम चर्चा करेंगे वैदिक युग की खाल मेल। यह पार्ट 3 है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जाके एक बार देख लीजिए। और प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा डिस्क्लेमर। प्यारे साथियों, अब हम आरंभ करते हैं वैदिक युग का खाल मेल। कुछ लेखक पुष्यमित्र सिंह द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की चर्चा करते हैं। वस्तुत आज का मथुरा और उसके नीचे का भूभाग वृद्धत मौर्य के अधीन था, लेकिन उस क्षेत्रों पर जैसे ही यूनानी शासकों ने आक्रमण करते हुए उच्च पर अपना कब्जा करना शुरू किया, उसी समय पुष्यमित्र सिंह भी वृद्धत की अक्षमता की वजह से उनकी सत्ता को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद पुष्यमित्र सिंह और यूनानी में पश्चिमी भूभाग के लिए युद्ध होता है, जिसमें मथुरा और मथुरा के नीचे वाले भागों में रहने वाले अधिकांश भिक्षु यूनानी सेना का समर्थन करते हैं, जिस वजह से बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की जाती है। अतः मथुरा और मथुरा के नीचे वाला भूभाग भी पुष्यमित्र सिंह के हाथों से निकल जाता है, जबकि पुष्यमित्र सिंह द्वारा भारत के अन्य किसी भी क्षेत्रों से बुद्ध भिक्षुओं की हत्या जैसी घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। पुष्यमित्र सिंह के क्षेत्रों को इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। आज पुष्यमित्र सिंह के बारे में जो दर्शाया जाता है, उस हत्याओं का कारण धार्मिक ना होकर राजनीतिक था। ये सब प्रमाण कहते हैं कि सिंह भी एक बुद्धिस्ट था, ना कि ब्राह्मण। आज तक सिंह का जो भी एविडेंस प्राप्त हुआ है, उनसे पता चलता है कि सिंह के वंश बौद्ध थे। पुष्यमित्र सिंह द्वारा बनाए गए बुद्ध स्तूप मिलते हैं। कुछ स्तूपों की मरम्मत का विवरण भी मिलता है, परंतु सिंह के द्वारा निर्मित एक भी मंदिर या काल्पनिक देवी देवता का एविडेंस क्यों नहीं मिलता है? आज तक किसी ने भी सिंह के ब्राह्मण होने का एविडेंस नहीं दिया है। बस एक ही बात मिलता है, वृद्धत की हत्या या बौद्ध भिक्षुओं की हत्या। तो जिस भूभाग के लिए, जिस जमीन के लिए लड़ाई होता है या भिक्षुओं की हत्या किया जाता है, वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये रहा वो चित्र, आप लोग भी देखों को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ब्राह्मण कहने वाले जो भी सर्जन हैं, वे सभी लोग सिंह काल में कोई ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र जैसी परंपरा की शुरुआत का एविडेंस प्रस्तुत करें, अन्यथा नकारात्मक रूप से ब्राह्मणों को ईसा पूर्व में स्थापित करने का काम करना छोड़ दे, क्योंकि जाति और वर्ण व्यवस्था का एविडेंस मिलना ही सतवीं से अठारहवीं शताब्दी के बाद से होता है। मध्य प्रदेश में ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप मिलता है। इस स्तूप की खुदाई में पुष्यमित्र सिंह का लिखित एविडेंस मिलता है कि पुष्यमित्र सिंह के कार्यकाल में यह स्तूप कमजोर अवस्था में पहुंच गया था, जिसकी वजह से सिंह ने सांची स्तूप का पुनरुद्धार और स्तूप को सुंदरतम रूप देने का प्रयास करते हुए उसके बाहरी दरवाजे का निर्माण कराया था, जिससे आस
आज भी आप लोग जाकर देख सकते हैं इस पिक्चर में। इस सभी बातों को आज आप दबा नहीं सकते हैं, बल्कि किताबों के माध्यम से उत्खनन में प्राप्त पुष्यमित्र शुंग द्वारा लिखित अभिलेख को आज सभी को दिखा सकते हैं। संपूर्ण भारत में मौर्य शासन के खत्मे के बाद सिर्फ उत्तर भारत में शुंग वंश का उदय हुआ था, जबकि पश्चिमी भारत में मध्य एशिया के शासक और दक्षिण भारत में सतवाहन वंश का उदय हुआ, अपितु उत्खनन द्वारा उस सतवाहन कार्यकार का भी काफी एविडेंस आज भारत के संग्रहालय में उपस्थित है। लेकिन कोई यह बताए कि वेद और वैदिक रचनाओं से परिपूर्ण कौन सा एविडेंस उसमें मौजूद है, जिससे आज यह कहा जाए कि वैदिक सभ्यता पूर्व काल से चली आ रही है। तो एविडेंस देना चाहिए, तभी ना कह सकती है कि हाँ उस समय में ब्राह्मण लोग भी था। अगर एविडेंस दे नहीं सकता है तो ये कह नहीं सकती है कि पूर्व काल से भी पहले वहां में ब्राह्मण लोग था। तो जब तक एविडेंस नहीं दे सकता, तब तक यह कहना भूल होगा कि वहां ब्राह्मण लोग भी था। तो एविडेंस पहले दिखाओ, उसका बाद ही सभी लोग मानेंगे। बिना एविडेंस कोई नहीं। महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक का जो विशाल मगध देश की क्षेत्र सीमा थी, वो म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक और तिब्बत से लेकर सिलोन तक फैली थी। सिलोन का मतलब यहाँ श्रीलंका से है। उस समय असली नाम सिलोन था, लेकिन उसके विपरीत बृहद के समय का जो देश का क्षेत्रफल था, वो सीमित कर आज का बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक रह गया था। शुंग शासक की नींव भी कमजोर शासकों के कारण काफी कमजोर थी। इस वजह से शुंग का शासन भी बहुत प्रभावशाली तरीके से ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति शुंग था और उनका मंत्री वसुदेव कणाव था। देवभूति शुंग बहुत ही कमजोर सम्राट था, जिसकी वजह से उनके कार्यकाल में उसके साम्राज्य का क्षेत्रफल और भी ज्यादा सीमित कर छोटे होते हुए आज का बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश की भागों तक रह गया था। आगे देवभूति शुंग का मंत्री वसुदेव कणाव ने भी देवभूति शुंग की हत्या करके शुंग साम्राज्य का खत्मा करते हुए अपने आप को कणाव वंश की राजा घोषित कर दिया। लेकिन ज्यादा वर्षों तक मगध की गद्दी को बचाए नहीं रख सका। उसका अंतिम शासक सुस्मी कणाव था। कणाव के क्षेत्र को यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कितना उसका क्षेत्रफल छोटा हो गया। जल ही मध्य एशिया के विदेशी यूनानी शासकों ने आक्रमण करते हुए भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर आज के तथाकथित लेखक किसको विदेशी आर्य साबित करने पर तुले हैं? मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों में शक, पहलाव और कुषाण का नाम प्रमुखता से आता है।
परंतु ये सभी भारत के बौद्ध संस्कृति से ऐसे घुल मिल गए कि आगे भारत ही नहीं अपितु विदेशी में भी महामानव गौतम बुद्ध की परंपरा का प्रचार प्रसार करते हुए अमित छाप छोड़ गए थे। आज आप इन बातों को उत्खनन से प्राप्त एविडेंसों को देखकर समझ सकते हैं। गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां गंधार का कला या मथुरा कला की मिलती है, सभी इन्हीं सम्राटों के काल में निर्मित मूर्तियां हैं। मूर्ति बनाने की कला की शुरुआत भी इसी समय हुई थी। इसको ऐसा भी कहा सकते हैं कि भारत में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाने का शुभ आरंभ इन्हीं यूनानी और कुषाण शासकों ने किया। भारत में इसके पूर्व मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति या किसी अन्य की मूर्ति का प्रचलन कतई नहीं था। स्वयं सम्राट अशोक ने भी बिहार के बुद्धगया में बुद्धि वृक्ष के नीचे मार्गदाता गौतम बुद्ध का ही मूर्ति नहीं बनवाई थी। मार्गदाता गौतम बुद्ध की जिस बुद्धि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिर्फ वहां पर उनके बैठने वाले स्थान का सौंदर्यकरण करते हुए मार्गदाता का सांकेतिक रूप से चरण चिन्ह का निर्माण कराया था। चित्र आप इस चित्र में देख सकती है। बैठने का स्थान और आप इस चित्र में चरण को देख सकती है। चरण चिन्ह को आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये पिक्चर देख रही है आप, ये चरण चिन्ह है। तो आगे बढ़ती है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि आज जिस पंचांग पर वैदिक कर्मकांड टिका हुआ है, उस पंचांग के निर्माता ये शक शासक ही है, जिसका आरंभ ईर्षा से 78 ईस्वी के बाद किया गया था, जिसे आज शक संवत पंचांग कहते हैं। यानी कि इसके पहले वेद और वैदिक संस्कृति वाले लोगों को दिन और महीने जानने का कोई ज्ञान भी नहीं था, लेकिन आज अपने को विश्व का ज्ञाता बताते हुए उसी शक संवत पंचांग से अपने सभी देवी देवता का जन्म और विवाह का दिन बताते हुए सभी समारोह का आयोजन करते हैं। शक सम्राट का लिखित ताम्रपात्र तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए हैं। शक संवत पंचांग को स्थापित करने का श्रेय इसी शक वंश को जाता है, लेकिन इसके कार्यकाल में किसी भी वेद और वैदिक रचनाओं से युक्त किसी भी मंत्र का एविडेंस नहीं मिलता है। आशक शासकों को अपने व्यवस्थित शासन और योग क्यों की वजह से जाना जाता है। इन्होंने उस समय भारतीय जनमानस की भलाई हेतु कई कल्याणकारी परियोजनाओं को स्थापित किया था, जिसमें कृषि उपज को बढ़ाने हेतु जलाशय का निर्माण प्रमुख है। उन सभी कार्यों को करते हुए सभी जगह लिखित शिलालेख भी स्थापित
किए जो आज खुदाई से प्राप्त हुए हैं बढ़ते हैं। शक वंश के एक प्रमुख सम्राट को आज रुद्रदामन द्वितीय के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन आज के कुछ लेखकों का मत है कि रुद्रदामन द्वितीय का जूनागढ़ अभिलेख वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन उस अभिलेख को कोई भी आज वैदिक संस्कृति भाषा में लिखा हुआ दिखाने को तैयार नहीं है। इनके अभिलेख और मुद्रा पर जो लिपि मिली है वो प्राकृत भाषा और यूनानी भाषा की है। उस अभिलेख को इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ ना कि संस्कृत में लिखा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये संस्कृत में लिखा गया है? नहीं, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि यह वैदिक संस्कृत का लेख नहीं है। इसको देखने के बाद भी अगर कुछ साथियों की मान्यता इस लिखावट पर संस्कृत भाषा की ही बनती है, तो वैसे साथियों को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा की लिखावट नगरी लिपि की वर्णमाला और व्याकरण के बिना संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृत भाषा में विसर्ग, हलंत, बिंदु और चंद्र बिंदु जैसे कई अन्य चिन्हों का प्रयोग होता है जो अन्य किसी भी लिपि में संभव नहीं है। इसलिए वैसे साथियों को बताना चाहता हूँ कि बगैर नगरी लिपि के संस्कृत भाषा की लिखनी अभी कभी लिखनी नहीं जा सकती। ही सबसे अहम एविडेंस एक और है कि रुद्रदामन की जो भी मुद्रा आज उत्खनन से मिलता है और उस मुद्रा के ऊपर जो लिखावट है वो प्राकृत और यूनानी भाषा में की गई है। फिर संस्कृत और रुद्रदामन का तरतम्य कैसा? रुद्रदामन के कार्यकाल में संस्कृत का कहीं कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। आप रुद्रदामन की मुद्रा चिन्ह इस फोटो में देख सकते हैं। इस फोटो में देख कर क्या आपको ऐसा लगता है कि ये संस्कृत में लिखा गया है? नहीं, ये कते भी संस्कृत का भाषा नहीं है। ये क्या है? प्राकृत और यूनानी भाषा है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के बाद मार्गदाता गौतम बुद्ध के बताए मार्ग और उसकी आकृति को देश विदेश में फैलाने वाले सबसे प्रमुख सम्राट कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे, जिन्होंने मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति को मथुरा कला के माध्यम से बनाना शुरू करवाया था। इनके ही कार्यकाल में बुद्धों की चौथी संगति कश्मीर में हुई थी। यूनानी शासकों के पूर्वज मूर्ति पूजक क्षेत्रों के रहने वाले थे, जिसकी वजह से ये लोग जब भारत आए तो अपने साथ कुछ मुद्रा लेकर आए थे जिस पर कुछ देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं, लेकिन आगे ये लोग उन देवी देवताओं को छोड़ते हुए मार्गदाता को अपनाते हुए उनकी मूर्ति का निर्माण शुरू कर दिए थे। इस मूर्ति कला को आज गंधार कला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कुषाण काल में मथुरा कला विकसित हुए और इस कला में बुद्ध की मूर्ति बनने लगी। इसके पूर्व भारत में बुद्ध की
बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इसी मूर्ति पूजा के वजह से पूर्व के बौद्ध थेरवादी मार्ग को महायानी बौद्ध मार्ग में रूपांतरित किया गया। इस महायानी परंपरा के स्थापना के बाद से सम्राट कनिष्क ने मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति निर्माण का अंबर ही लगा दिया था। भारत में इसी कला के बाद से मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति और मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। आज भारत ही नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरजमीन की खुदाई में गौतम बुद्ध की जो भी मूर्तियां प्राप्त होती है वे सभी मूर्तियां इसी काल की है या उसके बाद के काल की स्थापित है। सम्राट कनिष्क अपने बेहतर प्रसंस्क्रिया प्रबंधन के लिए भारत में दो राजधानी बनाई थी, जिसमें एक राजधानी परसपुर या पेशावर कहो या गंधार और दूसरी राजधानी मथुरा में स्थापित थी। आज इसका प्रमाण मथुरा की खुदाई से मिले अभिलेखों से पता चलता है। उस मथुरा की खुदाई में कहीं से भी वैदिक या वैष्णव पंथ के कृष्णा का कोई अवशेष नहीं मिलता है। जो हिंदू लोग कहता है ना कि मथुरा कृष्णा का जन्म स्थली है ना क्या क्या वो बोलती रहता है ना, लेकिन असल में वहाँ हिंदू लोग का कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये कहना छोड़ दो कि वहाँ में हम लोग का हिंदू का वो है ये है, क्योंकि हिंदू लोग का वहाँ में कुछ भी अविशेष प्राप्त नहीं होते हैं। जब तक एविडेंस नहीं तो यह कहना भी गलती होगा कि वो हिंदू लोग का है, क्योंकि जितने भी आज तक अब लोगों ने देखा जितने भी पुराने मंदिर है वहाँ तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को ही देवी देवता बनाकर रखा है। मार्गदाता गौतम बुद्ध को ही कब्जा कर सारी वारी टीका विका लगा कर कब्जा करके अपने देवी देवता बना के रखा है। इतना धूर है वो लोग, ऐसा धूर क्यों? जो बुद्धिस्ट का है बुद्धिस्ट को ही मिलना चाहिए, बुद्धिस्ट को वापस करना चाहिए, लेकिन धूर्तों ने आज भी कब्जा करके रखा है, ऐसा क्यों? ऐसे तो आज समाज में कृष्णा और अर्जुन की काफी लंबी लंबी वार्तालाप का संदेश गीता नामक पुस्तक में लिखा है, लेकिन उस गीता की कोई भी कथा उपवाच का एविडेंस उस मथुरा की खुदाई में नहीं मिलता है। फिर भी आज के मनुपुत्र लेखक अपने विष्णुपन्न के अवतारी पूछ को मथुरा से जोड़ते नहीं थकते हैं। मथुरा खुदाई से प्राप्त एविडेंस को राजक्रिया मथुरा संग्रहालय में रखा गया है। आप इस पिक्चर में देख सकता है, इस पिक्चर में आपको क्या ऐसा लगता है कि ये हिंदू लोग का है? नहीं, कतई भी नहीं। ये वैदिक शिवपन में शिवलिंग की पूजा आकृति को देखते हैं, उस आकृति का प्रारूप इसी मथुरा कला में बनने वाले बुद्ध की मूर्ति और स्तूप से निकले हुए मार्गदाता गौतम बुद्ध की है। आप इस पिक्चर में देखकर बताइए क्या ये शिवलिंग जैसा लगता है? क्या आपको यह तथागत बुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है? फिर भी
हिंदुओं ने जानबूझकर उसको शिवलिंग बनाने में तुले हुए हैं। ऐसा क्यों? अब आप लोग बताइए कि क्या इस काल के पूर्व में इस प्रकार का कोई शिवलिंग बना देखा था? नहीं ना, क्योंकि उस समय में ब्राह्मण नाम का कोई चीज होता ही नहीं था। कैसा होता? होता तब तो ना मिलता। ये दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, ये तथागत बुद्ध की है, ये स्तूप है, तो जानबूझकर उसको कब्जा करके रखा है। ऐसे ऐसे चीजों में कब्जा करके रखा है। ज्यादातर तो मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्तियों को तो तोड़ फोड़ के न जाने कहां कहां फेंक दिया है। 84,000 सम्राट अशोक ने जो बनाया था वो लोग कहां गया, कहां घूम हो गया? क्योंकि जितने भी स्तूप थे, जितने भी पुराने हमारे धरोहर थे, सबको ज्यादातर तोड़ फोड़ कर फेंक दिया गया और ज्यादातर कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए तो नहीं मिलता है। नहीं तो क्यों नहीं मिलता? आगे बढ़ते हैं। सम्राट कनिष्क के बाद के भारत की पहचान यह है कि उससे ज्ञान विज्ञान में काफी उन्नत और विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। जिस ज्ञान विज्ञान का केंद्र स्थल नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अवनपुरी विश्वविद्यालय, तिलहारा विश्वविद्यालय, पुष्पागिरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, जगदारा विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, समिया विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, नवदीप विश्वविद्यालय, तवंग विश्वविद्यालय, कन्हेरी विश्वविद्यालय जैसे अनेक विद्या अध्ययन वाले शिक्षण स्थान थे, जिसके द्वारा स्टडी का कार्य अनेक भारतीय जनमानस में फैला हुआ था, जिसे आज भारत में स्वर्ण काल के रूप में भी सभी लोग याद करते हैं। उस समय देखिए कितना विश्वविद्यालय था और वहाँ में कितना लोग स्टडी कर रहा था होगा, हजार हजार लोग, सिर्फ भारत से नहीं विदेशी लोग भी आके यहाँ में स्टडी करता था। और यहाँ में जो स्टडी करता था वहाँ में ले जाके फैलाने का काम करता था, यहाँ में जो सीखता था वहाँ में भी जाके दूसरा लोगों को सिखाता था। इसलिए तो आज भारत ही नहीं विदेशों में भी बौद्ध का चर्चा है, तथागत बुद्ध का चर्चा आज विदेशों में भी है। वहाँ में भी मार्गदाता गौतम बुद्ध की कुछ अवशेष मिलता है। इस समय तक भारत के सिंहासन पर गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य कायम हो गया था और आज के तथागतित विद्वान लेखक लिखते हैं कि गुप्त शासक वैदिक संस्कृति के अनुयायी थे। इनके कार्यकाल में वैदिक संस्कृति का काफी विकास हुआ था। फिर तो गुप्त शासक के कार्यकाल में अधिसंख्या रूप से विकसित इस शिक्षण स्थानों में वैदिक साहित्य का लेखन निश्चित ही हो गया होगा और साथ ही सभी लेखित वैदिक का पठन पाठन इस शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले
विद्यार्थियों द्वारा अवश्य होता होगा। वैदिक अनुयायियों की संतुष्टि हेतु अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि गुप्त काल के किसी भी गुप्त शासकों द्वारा किसी अज्ञात कारणवश से वेद का लेखन करना संभव नहीं हो पाया तो क्या उस वेद या वैदिक के अनुयायी गुप्त शासक को तो निश्चित ही अपने कार्यकाल में संचालित सभी विश्व ख्यात शिक्षण संस्थानों में वेद के ज्ञान विज्ञान का पठन पठान करवाना चाहिए था। और अगर ऐसी ज्ञान का पठन पठान होता तो निश्चित ही उस ज्ञान को देने वाला कोई विद्यालय या उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई देशी विदेशी छात्र का एविडेंस जरूर मिलना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों के अनुसार उस वेद में ज्ञान विज्ञान का अकुत भंडार जो भरा हुआ था, लेकिन उस काल में उस वेद रूपी पुस्तक के ज्ञान का कोई अध्ययन करता या अध्यापक करता का दूर दूर तक अता पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि उन तमाम शिक्षण स्थानों में से किसी में भी वेद या वैदिक संस्कृति का या वेद उपासना स्थान में स्थापित हवन कुंड का या वैदिक मूर्ति का या वैदिक भाषा लिपि संस्कृत द्वारा लिखित कोई पांडुलिपि का एविडेंस अभी तक किसी शिक्षण स्थान की खुदाई से नहीं मिला है। क्या इस पर कुछ कहोगे तथागतित लेखक महोदय? उस वैदिक वेद पुस्तक का लिखा हुआ एविडेंस तो बहुत ही दूर की कोड़ी है, बहुत दूर की बात है। तो उस समय क्या आप लोग एविडेंस दे सकता है कि उस समय में था बोल के? यहाँ में भी नहीं मिलता है, यहाँ में भी गपोरी मुख से हक दिया है बस हो गया, मुख से बोल दिया है बस हो गया। स्लिप शब्दों से नहीं, एविडेंस की बात है। अगर एविडेंस नहीं तो वहां में स्थापित करके कुछ फायदा नहीं। तो ये जितने भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं देखे हैं, अभी तक यहाँ किसी वेद वैदिक या संस्कृत की कोई यहाँ अभी तक एविडेंस क्यों? सही बात है ना तथागतित लेखक महोदय और वैदिक संस्कृति के अनुयायी महोदय, आज आप इस विश्वविद्यालयों और उनसे मिली लिपि और संस्कृति का एविडेंस इस चित्र में देख सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है यह चित्र देखकर कि यहाँ संस्कृत मिला है? नहीं ना, स्वर्ण काल के भारत में अन्य देशों के विद्यार्थी ज्ञानोपार्जन करने इस शिक्षण स्थानों में आते थे। इन शिक्षण स्थानों में आज की जीव कोपार्जन वाली प्रबंधन अभियंत्र अधिवक्ता या अन्य विषय की पढ़ाई नहीं होती थी। उस समय किसी कारखाने
मैं नौकरी पाने की भी पराय नहीं होती थी, क्योंकि उस समय कोई भी कारखाने का एविडेंस नहीं मिलता है। आखिर उन सभी विद्यार्थियों में पराय क्या होती थी, और भारत विश्व गुरु था कैसे? तो ये भी एक जानने वाली बात है कि उस समय में जैसे कि आज पराय लिखाई करो और उसका बाद में हाई स्टैंडर्ड नौकरी पाओ, रुपया कमाओ, मौज मस्ती करो, उस समय में वो लोग ऐसा नहीं था। उस समय में मतलब ऐसा नहीं था कि पढ़ाई वढ़ाई करो उसका बाद नौकरी वोकरी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। उस समय में पढ़ाई अलग ही होता था। तो हम अभी आगे इसका चर्चा करेंगे। भारत विश्व गुरु था, यो बात तो आज किसी से नहीं छिपी है, लेकिन भारत किस लिए विश्व गुरु था, यो बात आज तक जरूर छिपी है। देखा आप लोगों ने, आज तक तथाकथित सभी लेखक महोदय इस बात का खुलासा करना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? क्यों खुलासा करने से डरता है? क्यों खुलासा करने से डर लगता है? क्योंकि जितने भी तथाकथित विद्वान हैं, लेखक हैं, उन सभी को ये पता है जब बुद्ध की बात करेंगे तो जो हिंदू लोग का है, जो कब्जा किया हुआ है, वो लोग वापस करना पड़ेगा। इसलिए तो नहीं कहता है कि विश्व गुरु कैसा हुआ। तथाकथित लेखक महोदय, आपको तो विश्व के मनस्पतल पर भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होने पर गर्व करना चाहिए था, और साथ ही भारत को विश्व गुरु होने के नाते आप लोग उन सभी विश्वविद्यालयों से वेद या वैदिक साहित्य का प्रमाण भी देना चाहिए था, लेकिन आप लोग तो अपने वेद या वैदिक ज्ञान का प्रमाण देने वाली बात पर, भारत को विश्व गुरु बनाने वाली सच्चाई पर एकदम से चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है वो वैदिक फैदिक संस्कृत वंस्कृत से नहीं, तो इसलिए वो लोग इस बात को छुपा कर रख देता है। या उस सच्चाई की जगह अनाप शनाप बातों से लोगों को इधर उधर घुमाने लगते हैं। ऐसा क्यों? अगर कोई पूछ देता है कि भारत विश्व गुरु कैसा बना था, क्यों बना था, किस लिए बना था, किस वजह से बना था, तो जितना भी धूर्त है, जितना भी मनुपुत्र है, वो लोग इधर उधर की बात घुमाकर जो असली बात है उसको छुपा के रख देता है। उसको बताता नहीं है, किसी को बताता नहीं है कि विश्व गुरु किसके वजह से हुआ है। बताने से जो वो लोग का अभी मान सम्मान है सब चला जाएगा, ऐसा सोचता है। भाई बुद्ध सिर्फ बुद्धिस्टों के लिए नहीं, जितने भी मानव है इस पृथ्वी पर, जितना भी मानव है, सभी के लिए है। सभी को एक सम्मान नजरिया से देखो, सभी को मानव की तरह से ट्रीट करो, सभी को प्यार करो। बुद्ध ने यही सिखाया था। ये नहीं सिखाया था कि तुम किसी को गाली दे दो, तुम उसको नीचा दिखाओ, तुम उसको नीचा दिखाओ। लेकिन हम यहां में
कहना पड़ रहा है कि जो हिंदू लोगों ने किया, जो ब्राह्मण लोगों ने किया, दरअसल वो बहुत बड़ा फरेबी है। कहना पड़ रहा है हमको मजबूरी में, क्योंकि जो हमारे धरोहर है उन लोगों को नष्ट कर दिया, उन चीजों को नष्ट कर दिया जो भारत की धरोहर है, जो भारत को विश्व गुरु बना के रखा था, उसको तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया है। इस वजह से कहना पड़ रहा है, आपके काल्पनिक वेद और वैदिक ज्ञान के बदले उस समय के अनेक शिक्षण स्थानों में जीते जी अपनी जिंदगी के सभी दुखों से मुख होने वाली विधा लोगों को दी जाती थी, यानी जिंदगी में सुख कैसे प्राप्त होगा उसकी विधा ही दी जाती थी। इसके लिए उस समय के सभी शिक्षण स्थानों में जिस मार्ग का ज्ञान दिया जाता था, पहला मन की शुद्धि और दूसरा तन यानी कि अपनी काया मतलब अपना बॉडी की शुद्धि से था, जिसमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हेतु मन की शुद्धि को ही प्रमुख माना जाता था, क्योंकि तन सबर होते हुए भी अगर मन अपने वच में नहीं है तो वह व्यक्ति राग द्वेष तृष्णा से पीड़ित रहता था, उसके पास असंख्य दुखों का भंडार होता था। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने मन को अपने वच में कर लेता था तो उसकी सभी इंद्रिय उसके मन के वश में रहते हुए राग द्वेष और तृष्णा से मुक्त हो जाती थी। फिर वही व्यक्ति इसी जीवन में जीते जी जिंदगी के सर्वोच्च यानी कि टॉप शिखर पर पहुंच कर मुक्त हो जाता था, निर्वाण प्राप्त कर लेता था। तो उस समय ये शिक्षा दिया जा रहा था। उस समय कोई नौकरी वोकरी के लिए नहीं, उस समय आदमी को कैसा अपनी सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो सब ही सिखाता था। इसी कड़ी में अभी तक भारत को विश्व गुरु होने का जो भी पहला लिखित एविडेंस मिलता है उसमें भगवान बुद्ध की एक वाणी मन की शुद्धि से यो थी, मनोपुपगम धम्म मनो से थ मनो माया मना साचे पदुथेना भासति वा करोति वा ताथो नं दुखं अनवति चाकं वा वहन्तु पदं। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दुष्मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का यानी कि पहिया गाड़ी खींचने वाले बेलों के पीछे पीछे। अर्थात यहाँ में समझाने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति बुरे कर्म करेंगे या अच्छा कर्म करेंगे इसी जीवन में जीते जी उसको वो फल प्राप्त होगा, यानी कि
अगर आपने अच्छा काम किया है तो उसका अच्छा फल होगा, अगर आपने बुरा कर्म किया है तो उसका बुरा फल आपको यहीं पर मिलेगा, ना कि मरने की बात। यहाँ मरने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ मन की शुद्धि के बात कर रहा है। मन मन से अगर दुष्वचन, दुष्मन से अगर किसी को हम बुरा कहेंगे, बुरा भला कहेंगे, तो वो भी हमको बुरा भला ही सुनाएंगे। अगर हम उसको अच्छे से बात करेंगे तो वो भी हमको अच्छे से ही बात करेंगे, ना कि वो बुरा व्यवहार हमारे साथ करेंगे, है कि नहीं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि उस समय में क्या पराया, वहाँ में क्या पराया जा रहा था, तो वहाँ में क्या शिक्षा दिया जा रहा था। दूसरा जो एविडेंस मिलता है वो तन की शुद्धि से था, यानी आसन और विपसना साधना का था। तीसरा सबसे मुख्य विद्या का प्रमाण आर्य सत्य और प्रदित्य समुत्पाद का मिलता है। इस विद्या द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले सुख दुख के कारण को जान सकते थे और उस दुख को दूर कैसे करें इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। साथ ही इसी प्रतित्य समुत्पाद के नियम द्वारा सृष्टि के बनने बिगड़ने से लेकर मानव की उत्पत्ति के कारण को भी समझा जाता था। यानी प्रतित्य समुत्पाद के बारे में मोटे तौर पर यह कम या कम शब्दों में समझ ले कि बगैर कारण और परिस्थिति का कोई भी उत्पन्न यानी जन्म नहीं होता था। यानी कि यहाँ में कहने का अर्थ है बिना कारण की कोई दुख उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि कोई हमसे चूक होना चाहिए, कोई हमसे भूल होना चाहिए, तभी हमारे दुख उत्पन्न होंगे। है हो सकता है हम कार्य करते समय किसी कार्य में हमारी विफल होंगे, तो हो सकता है किसी भूल भांति से हो गया होगा, तो जो भूल भांति के वजह से जो हमारे लॉस हुआ है तो वहां में हमारे दुख उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में कह रहा था कि बिना कारण के जन्म नहीं होता है क्या दुख, तो कारण होना चाहिए, बिना कारण के उत्पन्न नहीं होता है। उस समय आस वाली यह धारणा बिल्कुल ही गलत थी कि किसी भी उत्पत्ति किसी ईश्वर शक्ति की मर्जी से होती थी। जो आज की धारणा है कि लोग कहते हैं कि हमको ईश्वर ने बनाया, वो ये बनाया, ईश्वर की शक्ति से हम लोग पैदा हुआ, ये धारणा दरअसल गलती है। कोई ईश्वर ने हमको पैदा नहीं किया है। मेरे मम्मी और मेरे पिताजी ने, दोनों ने मिलके मुझे पैदा किया है। आपको भी आपके मम्मी पापा ने मिलकर आपको भी पैदा किया है, किसी ईश्वर ने नहीं। तो इसलिए जो बीतों की बात है उसको कहकर कुछ फायदा नहीं है। संक्षेप रूप में कहे तो विश्व गुरु के नाते उस समय की विद्या में एक शिक्षा अपने आप को जानने की भी मिलती है, जिसको उस समय की
विद्या में अध्यात्म कहा जाता था। अध्यात्म यानी अध आत्मा का मीनिंग क्या है ये भी थोड़े आगे आप लोगों को मिल जाएंगे। ये आस वाली आत्मा और परमात्मा नहीं बल्कि भारत की इस समृद्धशाली बौद्धिक परंपरा में आत्मा यानी श्वा यानी कि खुद से था, अपने आप से था। मैंने कहा था ना अभी थोड़ा पहले कि आत्मा यानी कि आज का जो आत्मा है वो नहीं, आत्मा का मतलब है खुद से अपने आप से, यानी कि मैं मेरा शरीर, इसको हम बोलते हैं कि वो आज वाला आत्मा नहीं है कि नहीं, यानी सारे तीन हाथ के शरीर का अवलोकन करते हुए उनके अंदर से सभी प्रकार के राग दुखद सुखद और अदुखद असुखद वेदना को जानने समझने से था। यानी कि अपने जो दुख है, अपने जो सुख है, अपने जो अदुख है, अपने असुख है, उसको जानने का था, जानने का समझने का, वही यहां में आत्मा। उस राग को अपने शरीर के अंदर से बाहर कैसे निकाले उससे था, उसी विद्या को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाली विधि प्रज्ञा को ही अध्यामत कहते थे। इसी को क्या कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं, इसी को ही अध्यात्म। समय में हम लोग उसको क्या बोले थे, अध्यात्म, लेकिन आज के समय में अध्यात्म का अर्थ क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन आज तो अध्यात्म का अर्थ आत्मा और परमात्मा वाली भूल भुलैया जैसी बातों को जानते हुए अडंबर युग बातों को याद करने से जाना जाता था। माना जाता है पूर्व की अध्यात्म द्वारा सभी लोग विपसना जैसी अद्भुत साधना से अपने अंदर की वेदना को जानते हुए उस पर काबू पाने की क्रिया करते थे। तो आज जो आत्मा परमात्मा कहती है उस समय में जो अध्यात्म हम लोग कहते थे, अपने आप को जानने का समझने का जो अध्यात्म कहते थे, आज क्या हो गया है, आज आत्मा परमात्मा हो गया है कि नहीं। लेकिन आज के मनुवादियों ने अपने अज्ञानता द्वारा उस वेदना को वेद रूपी ग्रंथ का नाम देते हुए कथा कहानी वाली पुस्तक का रूप दे दिया है। इससे पूर्व काल में रही दुखद सुखद अदुखद असुखद वेदना से मुख होने वाली यह विपसना क्रिया की सभी जानकारी इस कहानी युक्त वैदिक पुस्तक द्वारा खत्म हो गई है। तो उस समय में जो जानकारी हमें प्राप्त होता था वेदना जो कहते थे, आज के जमाने में क्या हो गया, उसको वेद पुस्तक और कहानी वाहिनी लिख के उस जो पहले में पढ़ाया जाता था, जो पहले शिक्षा दिया जाता था, जो पहले नॉलेज था, उस नॉलेज को ही खत्म कर दिया है कि नहीं।
तो इसी वेद के कारण पूर्व के इस मार्ग ने आज एक कर्मकान रूप ले लिया है। इसकी वजह से क्या हुआ, आज की मार्ग में एक कर्मकान रूप ले लिया है। किसका वजह से, ये ब्राह्मणों का वजह से, है कि नहीं। तो भारत वर्ष की समृद्धिशाली भाषा पाली में वेदना का अर्थ अनुभूति से जाना जाता था, लेकिन संस्कृत और हिंदी वेदना का अर्थ दुख से जाना जाता है। आज संस्कृत और हिंदी में वेदना का अर्थ क्या से जाना जाता है, दुख से। उस समय में क्या क्या जाना जाता था, आप लोगों को तो पता है कि नहीं। तो आज में क्या पता चलता है, उस समय में क्या था। उसी शिक्षण स्थानों की विद्या कुदरत के कानून को समझने से जुड़ी थी, जो प्राकृतिक गुणों को जानने समझने में सहायक होती थी। साथ ही इन सभी तत्वों को समझकर लोगों को मार्गदर्शक के रूप में बताने वाली मार्गदाता से जुड़ी होती थी, जिसके एविडेंस आज भारत के विद्यार्थियों में ही नहीं अपितु दूसरे देशों से भी भारत में आकर अनेक शिक्षण स्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में देखा जा सकता है। इस वजह से आज मनुवादी लेखकों को सोचना चाहिए कि स्वर्ण काल के भारत में उपस्थित अनेक शिक्षण स्थानों के रहते हुए भी उनमें तथाकथित ज्ञान वाली वेद और वैदिक संस्कृति का प्रभाव क्यों नहीं दिखा, आखिर उनका अभाव क्यों बना रहा, क्यों उस समय वेद और वैदिक ज्ञान के महत्व का जन्म नहीं हुआ था। अगर उस समय में कोई वेद संस्कृत ऐसा कोई था तो उस समय में उसका महत्व क्यों नहीं था, पाली का ही या प्रकृत का ही वहां में क्यों महत्व दिया गया था। अगर वेद वैदिक कुछ था तो वहां में उसका भी चर्चा होना चाहिए था, लेकिन वहां में चर्चा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के समय का आज एविडेंस स्वरूप काफी मुद्रा और अभिलेख भारतीय पुरातत्व विभाग को उत्खनन में मिले हैं, लेकिन किसी भी मुद्रा पर वैदिक संस्कृत वाली लिखावट नहीं है। सबसे मजे की बात है कि आज जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति वाले लोग शक शासक द्वारा निर्मित शक संवत पंचांग से अपने आप को जोड़ते हैं, उसी प्रकार का एक और पंचांग का निर्माण इस गुप्त काल के भी कार्यकाल में हुआ था, जिसका नाम विक्रम संवत पंचांग था। इस विक्रम संवत पंचांग के निर्माण का श्रेय गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य को जाता है, लेकिन आज इस विक्रम संवत पंचांग पर पुतेंट वैदिक कर्मकांडियों द्वारा अधिकार करते हुए उसको हथिया लिया गया है, जिसको विस्तार से आप सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुद्धिजीवियों का कॉन्स्पेरेंसी में देख सकते हैं। ये एक पुस्तक का नाम है,
आस वैदिक पक्षकार लेखक और वैदिक विपक्षकार लेखकों के अंदर एक जबरदस्त मान्यता बैठी है कि गुप्त वंश के शासक वैदिक अनुयायी थे। साथ ही दोनों प्रकार के लेखकों की मान्यता है कि गुप्त सम्राट के कार्यकाल में वैदिक उत्थान हेतु बहुत सारा रचनात्मक कार्य हुआ था। क्या आप पठन लोग यानी कि छात्र लोग भी इस प्रकार की बातों से सहमत है? अगर सहमत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सहमत है फिर कुछ प्रश्न हैं जिस पर चिंतन करते हुए उचित जवाब दें। गुप्त सम्राटों के कार्यकाल में भारत के अंदर अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, फिर उस विद्यालयों में वैदिक ग्रंथों का पठन पठान का कार्य क्यों नहीं होता था? ये एक प्रश्न है। गुप्त सम्राट के समय कई शिक्षण स्थान थे, यानी उस स्थानों में लेखन कला भी निश्चित ही रही होगी। फिर वैदिक साहित्य का लेखन गुप्त सम्राट ने क्यों नहीं करवाया? ये दो नंबर। अगर गुप्त सम्राट ने वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध करवाया तो आज उस काल का कोई वैदिक ग्रंथ वैदिक मंत्र मिला क्यों नहीं? ये तीन नंबर। गुप्त सम्राट के कार्यकाल में उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में अनेक विदेशी लोग शिक्षा प्राप्त करने हेतु आए थे, लेकिन किसी ने भी वैदिक ज्ञान की बात नहीं बताई। आखिर क्यों? ये चार नंबर है ना। मजेदार वैदिक घालमेल क्यों है ना? मजेदार वैदिक घालमेल देखिए, कॉन्स्परेंसी देखिए, कितना घालमेल। जिस जगह पे कोई एविडेंस नहीं, फिर भी जबरदस्ती वहां में घुसने की कोशिश करता है, जबकि वो उसका है। कहते हैं कि जिसके पास अपना बैट और बॉल भी नहीं हो और वो अपने आप को एक महान क्रिकेटर कहते हुए क्रिकेट का जन्मदाता कहने पर आमादा है, अर्थात उस वो ना बॉल उसका पास है ना बैट उसका पास है ना वो क्रिकेट खेल सकता है, फिर भी वो अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं ही जो क्रिकेट है उसको मैंने ही उत्पन्न किया है, मेरी वजह से ही क्रिकेट उत्पन्न हुआ है, अगर मैं नहीं होता तो क्रिकेट कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। जन्मदाता यानी कि क्रिकेट मेरी वजह से ही उत्पन्न हुआ है ना मजेदार। जो खेलने नहीं जानता है, जिसका पास अपना बैट बॉल नहीं है, वो कह रहा है कि मैं ही जन्मदाता हूं। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य ने ही अपने शासन काल में खगोलीय ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए भारत की कारक रेखा पर स्थित उज्जैन नगर में एक विद्याशाला बनवाई और इसी और इससे अपनी दूसरी राजधानी बनवाया था। उस उज्जैन में खगोलिया विद्याशाला के साथ साथ उज्जैनी
विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी, लेकिन आज उस उज्जैन से उत्खनन द्वारा प्राप्त विद्याशाला और अशोक स्तंभ के जगह पर ब्राह्मणी और मुगल गठजोड़ कर की महाकाल मंदिर स्थापित हो गई है। जहां में विद्यालय था, जहां में अशोक स्तंभ का जगह था, वहां में जो ब्राह्मणी और जो मुगल है वहां में तोड़ फोड़ करके क्या कर दिया, वहां में महाकाल की मंदिर स्थापित कर दिया है। देखिए धूर तो देखिए, आज कहां चले गए वो उज्जैन विश्वविद्यालय और खगोलिया विद्याशाला के एविडेंस। गुप्त काल की मुद्रा और विद्याशाला का एविडेंस इस चित्र में अब देख सकती हैं। देखा ना आप लोग, ये चित्र देख रही हो ना। ऐसे वैदिक मत के समर्थक लेखकों और उनके अनुयायियों को एक बात की जानकारी दे दूं कि स्वर्ण काल के समय तक अगर आज के वेद और वैदिक रचनाओं वाली गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद और मनुस्मृति समेत संस्कृत भाषा की लिखित या मौखिक जिस भी प्रकार से जानकारी प्राप्त हो जाती, तो उस समय के भारत में रहने रहे हजारों ज्ञान केंद्रों के हजारों विद्वान लोग इस वेद और वैदिक शास्त्र पर अनगिनत भाष्य लिख देते, लेकिन उस काल के एक भी भाष्य नहीं मिले हैं और ना ही आज तक उनको जानने वाला एक विद्यार्थी मिला है। जबकि इन सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश विदेश में फैले हुए थे और आज भी खुदाई में जमीन के नीचे से संबंधित एविडेंस भी मिलते हैं। भारत के इन विश्वविद्यालयों से विश्व के अनेक देशों के आने अनेक देशों के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रचालित प्रसारित करने के एविडेंस सभी को दिखते हैं। आज स्वर्ण काल के समय को देखते हुए कोई यह बताए कि भारत की सभी जगहों की खुदाई से प्राप्त एविडेंसों में वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई एक भी प्रमाण क्यों नहीं मिलता है? होता तो ना मिलता, नहीं है तो कहां से मिलेगा, है कि नहीं? आज भारत के तथागतित धूर्त लेखक महाकवि कालिदास को इसी गुप्त के दरबार में स्थापित करते हुए महान कवि की उपाधि से नवाजते हैं। कहा जाता है कि कालिदास ने अपने समय में अपने हाथों से काफी नाटक और कविता का लेखन कार्य किया था, लेकिन आज कितने लोग हैं जो कालिदास द्वारा लिखी गई बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए धूर्त लेखकों से पूछते हैं कि जब कालिदास गुप्त सम्राट के दरबार में रहकर कविता और नाटक लिख सकता था, तो फिर उसने वैदिक साहित्य क्यों नहीं लिखा? बाकी सब लिख सकता था, नाटक वातक लिख सकता था, तो जो वैदिक साहित्य है
जो हिंदुओं का साहित्य है उसको उस समय क्यों नहीं लिखा है, इससे आपको क्या मालूम पड़ता है कि उस समय में भी कोई नहीं था। यानी कि कवि कालिदास भी चाणक्य के जैसा एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि कालिदास का लिखा हुआ गुप्त काल की भाषा लिपि और उस काल की लेखन वस्तु में कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है कि नहीं? कारण स्पष्ट है कि यह वेद और वैदिक लिपि भी हुबली और पद्मा नदियों के जैसे 850 ईस्वी के बाद से भारतीय बौद्ध और पाली लिपि से निकली संस्कृति है। यानी कि जो अभी वेद वेद क्या क्या वो चिल्लाते रहते हैं ना, ये सब भी कहाँ से निकला हुआ है? पाली लिपि से, है कि नहीं? कितना में निकला था? 850 में, 850 ईस्वी में कहाँ से निकला है? पाली से कन्वर्ट होके चला गया है कि नहीं? आप लोग भी थोड़ा पढ़िए, थोड़ा ढूंढिए एविडेंस, ताकि अपने आप को कह सके कि हाँ मैं भी थोड़ा जानता हूँ। जब तक जानोगे नहीं तब तक बोलोगे नहीं, जब तक बोलोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। जो हमारे धरोहर है क्यों नष्ट होती जा रहा है? क्योंकि हम चुप हैं। हम चुप होने के वजह से जो धूर्त लोग हैं हमारे जो धरोहर है उसको नष्ट करती जा रहे हैं। हमें आवाज उठाना चाहिए, जो हमारी धरोहर है उसको बचाना चाहिए। इसलिए जरूरी है अपने जो इतिहास है उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम आवाज उठा सकते हैं। ये बढ़ते हैं गुप्त वंश का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत में उस समय का अध्यात्म भी अपने ज्ञान विज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन उस समय भी कोई वैदिक अध्यात्म का नामो निशान नहीं मिलता है। उस समय का भी जो अध्यात्म मिलता है वो भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, पंचशील, त्रिरत्न, प्रत्यय समुत्पाद, विपासना जैसे अन्य ज्ञान परख बातों का मिलता है। गुप्त वंश के समय में भी इतने शिक्षण स्थान रहते हुए भी कोई वैदिक सा एविडेंस का प्रमाण नहीं देखा। उस समय ज्ञान विज्ञान के रूप में प्राकृतिक हिमखंड से निकलने वाली गंगोत्री जैसी, विपासना, अलकनंदा जैसी, आर्य सत्य और मंदाकिनी जैसी अष्टांगिक मार्ग को जोड़ते हुए बनने वाले गंगा नदी के सम्मान मार्गदाता गौतम बुद्ध की विकराल धारा बह रही थी, जिससे उस समय महायान बौद्धिक परंपरा कहा जाता था। आज भारत के इतिहास लेखकों की धारणा है कि गुप्त वंश के अंतिम सम्राटों के द्वारा ही प्रथम बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था, परंतु गुप्त काल का वैदिक मंदिर कौन सा है? कुछ एविडेंस और उस मंदिर का नाम भी बताइए। अगर है तो उस मंदिर का नाम और एविडेंस साथ दिखाइए, है कि नहीं? दूसरी बात, लेखक महोदय जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा तो
गुप्त सम्राटों द्वारा पुणित नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा आपकी वैदिक ज्ञान युग वेद का लेखन क्यों नहीं हुआ? तीसरी बात, लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया और गुप्त काल की निर्मित वैदिक मंदिर आपके अनुसार आज भी सही सलामत खड़ी है, तो फिर उस मंदिर का निर्माण कराने वाला गुप्त सम्राट का किला कितना विशाल रहा होगा? उस विशाल गुप्त सम्राट के किले का भी कोई एविडेंस आज मिलना चाहिए ना, लेकिन में ही मिलता है, क्या करें, मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिलता है। यानी कि जो लेखककार है, जो ब्राह्मण है, मैंने जितना भी दिखा है, जितना लेखक बना है, जितना भी लिखने का वो किया, ब्राह्मण लोग किया है, कहाँ में क्या है वो है, सब जितना भी जो रियली में है, रियलिटी में जो होना चाहिए वही नहीं हो कर गपुर कथा चला दिया है, कितना धूर्त है। देखो, जो रियलिटी है, जो सत्य है, उसको छुपा दिया है, जो गपोल गाठा है उसको आगे चला दिया है, कितना धूर्त है, कितना मक्कार है। कितना तुम छुपाओगे, जो सत्य है वो हमेशा जय है, वो हमेशा जीतता है। हजार भी तुम गपोल गठा गालो, जो सत्य है उसको दबा नहीं सकती। उजागर होना ही होना है, उजागर होकर रहेगा। आप लोग कुछ मदद करोगे गुप्त सम्राटों द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ और गुप्त सम्राट का किला खोजने में, क्या आप लोग मदद करोगे क्या करने में? सम्राटों द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ और सम्राट का किला खोजने में। लेखक महोदय, गुप्त काल की बनी हुई जो मूर्तियां खुदाई में मिलती है, वे सभी मूर्ति अवलोकितेश्वर बुद्ध या बुद्धिसत्व नामक मार्गदाता की है क्यों महोदय? है ना मजेदार वैदिक घालमेल की कहानी, है कि नहीं? बहुत मजेदार है। जहां पे एविडेंस नहीं वहां में भी पूरा थूस थूस के भरने की कोशिश किया है। बोलो, सोचिए, धूर्तता के चरम सीमा तो देखिए, जहां नहीं वहां में भी थूस थूस के भरने की कोशिश किया गया है। जो सत्य है उसको छुपाने की बहुत कोशिश की है, जो काल्पनिक कथा है, जो कपोल कल्पित है, उसको यहाँ में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश की गई है। गुप्त वंश के बाद भारत की सत्ता पर हर्षवर्धन 606 ईस्वी का आगमन होता है, लेकिन यो क्या, सम्राट हर्षवर्धन के कार्यकाल में भी किसी वैदिक या वेद का और चतुर्वर्णीय गट समाज का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। देखा जाए तो उस समय भी नहीं मिलता है कि नहीं? 606 ईस्वी में भी नहीं मिलता है, है कि नहीं? भारत में इस समय तक सभी प्रमुख बातों को लिखने सभी प्रमुख बातों को लिखते हुए
अभिलेख सुरक्षित करने की परंपरा का प्रचलन बढ़ गया था। आज प्राप्त उस काल के मिले कई एविडेंसों को देखकर कोई भी इस सत्य को जान सकता है, जो झूठ फैलाता है ना, जो झूठ बोल रहा था ना, या में एविडेंसों को देखकर जो सत्य है उसको जान सकता है। लेकिन कोई इसको देखकर यह बताए कि कहां चतुर्वर्णिया समाज की बातें लिखी है, इसको देखकर कोई बताओ कि उस समय में चतुर्वर्णिया है जो ब्रह्मा की मुख से किसको किसको पैदा किया है, जो मर्त है वो क्या बच्चा पैदा कर सकती है, कितना दूर है, कितना गपोल गथा लिख दिया है। और हमेशा अपने आप को ही मैंने सबसे ऊपर में रखा है, कौन है वो ब्राह्मण, और जो शूद्र है उसको एकदम नीचे फेंक दिया है। क्या भाई साहब, कहां कहां में उल्लेख मिलता है उसको, तो आपको एविडेंस तो देना पड़ेगा ना भाई। वैदिक काल हो और संस्कृत में उद्धान वैदिक रचनाएं आज तक प्राप्त नहीं हो, किसी भी वैदिक देवी देवता की मूर्ति नहीं मिली हो, शिवपंथी का विष्णु पंथियों के किसी ग्रंथ का कोई नमो निशान नहीं हो, ऐसा हो तो नहीं सकता है। अगर था तो वहां भी मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। तो भाई फिर से वैदिक काल किसे कहते हो, किसे कहते हो, कैसे कह रहे हो कि उस समय वैदिक काल था, है ना मजेदार खाल मेल। भारत में हर्षवर्धन के काल तक बहुत से विदेशी यात्री भारत के ज्ञान विज्ञान वाली धरती को देखने और ज्ञानोपार्जन करने आए थे, जिन्होंने यहाँ रह रहे सभी संस्कृति को काफी नजदीक से देखकर अपनी यात्रा वितरांत लिखने का काम किया था, लिखित यानी कि अपनी नोट्स लिखा था, है कि नहीं। लेकिन उसके यात्रा वितरांत में किसी प्रकार के वेद या वैदिक चतुर्वर्णीयगत समाज का उद्भेदन नहीं हुआ है। जितने भी बाहरों से विदेशों से यहाँ में पढ़ने आया, यहाँ में रह रहे के जितने भी हमारे संस्कृति है, नजदीक से देखा, पढ़ाई वराई किया, उसके बाद नोट्स पे लिख के ले गया, लेकिन वहां में भी चतुर्वर्णिया गट यानी कि ब्रह्मा की ब्राह्मणों की जो चार वर्ण की जो किताब लिखी गई है, जो ब्राह्मणों ने कपूल कपित लिखा है, यहां में नहीं मिलता है, है ना मजेदार खाल मेल। आगे बढ़ते हैं। वेद और वैदिक काल के अधिकांश ग्रंथों द्वारा आज प्रचलित है कि वैदिक जमाने में अनेक गुरुकुल और गुरुग्राम हुआ करते थे, जिसमें उस समय के राजा महाराजा के पुत्र ज्ञान प्राप्ति हेतु जाकर रहा करते थे। लेकिन उस काल का आज तक वैसा एक भी गुरुकुल या गुरुग्राम का कोई एविडेंस उत्खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार के जो भी एविडेंस मिले हैं वे 9-10वीं सदी के बाद के हैं, फिर भी आज के तथागतिक लेखक उस गुरुकुल और गुरुग्राम को अपनी कल्पना से
पूर्वकाल में स्थापित करने में लगे हैं। आखिर आप लोग बताओ तो सही कि वेद और वैदिक ज्ञान का गुरुकुल केंद्र कहाँ स्थापित था? उस गुरुकुल में किस राजा महाराजा के पुत्र शिक्षा प्राप्त करने जाते थे? फिर आज तक एक भी उस गुरुकुल के शिक्षा प्राप्त राजकुमार विद्यार्थी ने अपने गुरुकुल से जुड़े हुए अभिलेख लिख कर क्यों नहीं छोड़ा? है ना मजेदार घालमेल। जब आप लोग स्वयं कहते हैं कि वैदिक काल ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नत काल था, तो सम्राट हर्षवर्धन के पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक और उससे पहले के मिले एविडेंसों के विश्लेषण से कहीं भी वैदिक काल का कोई उन्नत ज्ञान और एविडेंस क्यों नहीं दिखा? फिर आप लोग आज कैसे कहते हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में पूर्वकाल की सभ्यता थी, जब एविडेंस दिखा ही नहीं सकते हो? तो कैसे कह रहे हो कि उस समय में वैदिक काल था, भारत में पूर्वकाल भी वैदिक सभ्यता था, कैसा दिखा सकती हो, कैसा कह सकती हो? है ना घालमेल। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसा लगा है? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो में उस जो वैदिक युग का घालमेल है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे साथियों, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।